धूड़ा राम की हवा चल रही है जबरदस्त। अच्छा धूड़ा राम की, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, फतेहाबाद के अंदर कांग्रेस का उम्मीदवार वोटों से जीतेगा। अच्छा बलवान सिंह जीतेगा। हाँ बलवान सिंह जिंदाबाद। तो इस वक्त हम मौजूद है फतेहाबाद के पपीहा पार्क में, और पपीहा पार्क ऐसा पार्क है जहाँ पर जैसे गांव के अंदर चौपाल सजती है, इसी तरह यहाँ पर लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, खाते पीते हैं, और उसके बाद चर्चाओं का दौर यहाँ पर सबसे ज़्यादा चला रहता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बलवान सिंह धौलपुरिया का जो है बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, इसके साथ सुनैना चौटाला का, दूसरी ओर अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा धूड़ा राम का लगा हुआ है। तो बात करें फतेहाबाद की राजनीति की, तो ये सीट भी रोहतक की तरह फोर्ट सीट बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ओर जहाँ बलवान सिंह धौलपुरिया है, दूसरी ओर धूड़ा राम है, तीसरे उम्मीदवार जो है सुनैना चौटाला है। लेकिन यहाँ एक आम चर्चा चली हुई है कि कांटे की टक्कर बलवान सिंह और धूड़ा राम के बीच में है। आखिर देखना होगा कि जनता जो है एक बार फिर से क्या धूड़ा राम पर विश्वास जताते हुए उन्हें दोबारा से कुर्सी सौंपने का काम करेगी, या फिर बलवान सिंह धौलपुरिया जो है दोबारा से फतेहाबाद के विधायक बनने में कामयाब होंगे। तो आप क्या बताना चाहेंगे, हल्के के अंदर क्या चल रहे हैं? हल्के के तो बहुत बड़ी चल रहा है जी। किसका मतलब? धूड़ा राम की हवा चल रही है जबरदस्त। अच्छा धूड़ा राम की। हाँ जी, हाँ जी। तो कई बार 5 साल के बाद लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि भाई बहुत हो गया अब तो बदलेंगे, तो बदलाव नहीं चाहिए? काम किया जी धूड़ा राम ने। अच्छा काम किया। काम के लोग वोट दे रहे हैं लोग। तो बलवान भी है, सुनैना चौटाला भी आगे टक्कर में। हाँ तो सुनैना चौटाला भी है, बलवान भी है। अच्छा तो बलवान ने पहले इलेक्शन लड़ा था पहले 2014 में। हाँ हाँ विधायक। विपक्ष मेरे काम नहीं करा सके, इसी को लोगों को भी तो ध्यान होना चाहिए। हाँ तो भाई धूड़ा राम का कह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब आप क्या राय रखेंगे, आप भी बता दो। हमारा तो रतिया लगा में है जी। अच्छा रतिया में क्या लग रहे हैं मतलब? हमारा तो जरनैल सिंह एक तरफ का है जी, कुकुड़ा वाले गांव से। जरनैल सिंह एक तरफ है। हाँ जी भाई साहब आप क्या बताएंगे? रतिया में रतिया लगा ही है मेरा भी जी, लेकिन फतेहाबाद में धूड़ा राम और इसके बलवान सिंह की कांटे की टक्कर है जी। कांटे की टक्कर। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। आप क्या बताना चाहोगे, कैसा चुनावी माहौल? हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, फतेहाबाद के अंदर कांग्रेस का उम्मीदवार वोटों से जीतेगा। अच्छा बलवान सिंह जीतेगा। हाँ बलवान सिंह जिंदाबाद। अच्छा तो के लगा है भाई हरियाणा के अंदर है जो बीजेपी सरकार है, किस वजह से मतलब बदलने जा रही है सरकार? कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा हाँ जी ये अपने अंकल जी वो तो आपके मत है, आपका विचार है। अच्छा ठीक है तो इस बार मतलब बलवान की नहीं आ पा रहा? हाँ फतेहाबाद के अंदर कोई काम नहीं हुआ। तो भाई फतेहाबाद के अंदर ये कह रहे कोई काम नहीं हुआ, तो आगे भी राम राम जी। हाँ जी इस तरह जी हम टैक्सी स्टैंड से हैं। अच्छा। टैक्सी स्टैंड आपका TVN चैनल का हार्दिक स्वागत करता है। शुक्रिया जी, सबसे पहले तो पूरी टीम आपने हमें मौका दिया और आप आम आदमी की आवाज़ उठा रहे हो। बिल्कुल शुक्रिया जी। अब बताओ तो अब हम ये पूछना चाह रहे थे, हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा कि फतेहाबाद की हवा भी देखें। फतेहाबाद में मुकाबला टफ है जी। अच्छा ऊँट किस करवट भी बैठ सकता है। अच्छा टफ है, लेकिन यूँ ज़्यादातर ऊँट किसकी तरफ लग गए बैठता है? वैसे जी अलग अलग बेल्ट हैं, यहाँ 4 बेल्ट हैं। शहर में धूड़ा राम जी की पोशन है, बिश्नोई बेल्ट में धूड़ा राम जी की है, भट्टू में कुछ बलवान जी को एज है। अच्छा। तो इस तरह इसका कुल मिला के समीकरण होगा तो हार जीत कम वोटों से ही होगी। तो मतलब आप फतेहाबाद को ये नहीं कह सकते भाई एक तरफा वो जीत, एक तरफा नहीं कह सकते, वो तो टाइम पे पता लगेगा। फतेहाबाद की 90 सीटों में से सबसे टफ सीट है, कांटे की टक्कर है। हाँ जी आपको क्या लगता है? हम रतिया से हैं जी। अच्छा रतिया के जरनैल सिंह कम से कम 35,000 वोटों से जीतेगा, ये एक तरफा हो रहा है बिल्कुल टॉप टॉप। रतिया के और भी काफी मतलब साथी मिले भी जरनैल, तो दुग्गल का क्या मतलब? दुग्गल ऐसा ना 5 साल पहले MP रह चुकी है, वो रतिया में एक भी काम नहीं कराया उसने, अगर एक भी कराया होता तो वोट उसको मिलते, लेकिन काम एक भी नहीं आ रहा, वो जाके बैठ जाते गुड़गांव कभी दिल्ली, जो बाहर का बंदा है उसको कोई वोट अब नहीं देगा, अब लोकल बंदे को वोट देगा। मतलब MP बनने के बाद वो आपके? हाँ बिल्कुल, 5 साल उसने एक भी काम कराया वो तो गिना सकती है। अभी मैंने MP कोटे से नहीं, हर MP को 5 करोड़ रुपए मिलता है, ये सब बता रहे हैं, सबको पता ही है, जानकार आजकल बहुत जागरूक हो चुके लोग। तो सुनीता दुग्गल जी को शायद पता नहीं था रतिया से दोबारा टिकट मिल जाएगी? टिकट ऐसा सोचना तो चाहिए ना, अच्छा सोचना चाहिए उसने, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को दोबारा काम नहीं पड़ेगा किसी से, मेरे को आपसे काम पड़ सकता है, आपको मेरे से काम पड़ सकता है। पड़ गया उनको, आपको उनको पड़ गया, आपको उनको बिल्कुल भारी पड़ गया, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ रही है पूरी मार्केट में वो। ठीक है हम तो यही कहते हैं जो काम करेगा उसी को वोट में देना चाहिए। कांग्रेस नंबर 1 पे चल रही है, ये हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉप चल जाएगी। रतिया में आपके जरनैल सिंह? हाँ जरनैल, सरदार जरनैल सिंह 35,000 वोटों से जीतेंगे जी। तो रतिया से भी काफ़ी मिल रहे हैं हम पहले भी। हाँ जी आपको क्या मोल लग रहा है? हम बढ़िया मोल है जी, हम रतिया से हैं, जरनैल सिंह जीतेंगे। अच्छा फतेहाबाद में रतिया मिक्स हो रहे हैं? फतेहाबाद बलवान सिंह धौलपुरिया जीतेंगे जी। अच्छा
अच्छा बलवान सिंह दोड़ा। हाँ जी, कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ जी, कांग्रेस सरकार आएगी। हाँ जी, आप क्या बताना चाहोगे? जरनैल सिंह। जरनैल सिंह, आप भी रतिया से हो? हाँ, रतिया से। हाँ जी, आप कहाँ से हो? हम जी रतिया से। रतिया से, आपके क्या है? हमारे तो जी जरनैल सिंह। जरनैल, हाँ, कांग्रेस है। कांग्रेस की सरकार जरनैल सिंह। तो वह फतेहबाद के अंदर है वैसे, लेकिन रतिया मिक्स हो रहा है। हाँ जी, राम राम जी। कोई नहीं, आप भी बता दो। क्या बताएंगे भाई, आप यही को फतेहबाद? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब किसकी आवाज अलग है वैसे? आप भी मतलब बराबर की टक्कर है जी, दुड़ाराम जी और बलवान जी की, टांकी की कांटे की टक्कर है जी। हाँ, मतलब चुनाव तक देखो किसका मतलब। हाँ जी, कुछ नहीं जी, सिर्फ 2500-3000 वोटों का फर्क रहेगा। ये तो मतलब बड़ी कांटे की, क्योंकि रिकॉर्ड आया सन 1952 से लेके मनी राम गुदारा जी रहे हैं, हार जीत कम वोटों से रही है जी, 2500-3000 सीट बनती जा रही है फतेह। हाँ जी जी, तो काफ़ी साथी हमारे साथ थे, और ये जो है कोई बलवान सिंह कह रहे हैं, कोई दूड़ाराम, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। ये तो 5 तारीख को पता लगेगा कि किस उम्मीदवार की जो किस्मत है वो मशीनों के अंदर जो है कैद हो जाएगी, और 8 तारीख को खुलेगी। तो और भी काफ़ी जगह पर फतेहबाद में चलते हैं और लोगों की राय लेते हैं।